दिस इज गीतांजलि एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में मैंने क्रिएट किया है ये पार्टी मेकअप लुक फॉर न्यू ईयर्स। और यहाँ पे मैंने बहुत ही सिंपल सा एशी ब्राउन स्मोकी आई लुक क्रिएट किया है और ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। सिंपल से प्रोडक्ट्स हैं और बहुत खास टेक्निक को यूज़ नहीं किया है। आप चाहे तो सेम यही प्रोडक्ट यूज़ करें या आपके पास जो भी अवेलेबल हो आई शेडो पैड, आप उसकी हेल्प से भी ये क्रिएट कर सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले मेक श्योर कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है और बेल बटन को भी हिट कर दीजिएगा। सबसे पहले मैंने यूज़ किया है स्विस ब्यूटी का रियल मेकअप बेस प्राइमर और ये मेरा फेवरेट प्राइमर है स्पेशली विंटर्स के लिए। और इसकी पूरी बॉटल मैंने फिनिश कर ली है। बहुत अच्छे से स्किन को ब्लर कर देता है और एक नेचुरल ग्लो भी मिलता है इससे स्किन को। तो अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं और आप देख सकते हैं कि मेरे फेस पे बहुत ही नेचुरल सा ग्लो आया है इससे। कंसीलर के लिए मैंने यूज़ किया है एले गर्ल का प्रो कंसील इन द शेड प्योर बेज। अभी करेंटली मेरे डार्क सर्कल्स काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं और ब्रेकआउट भी हो रहा है। कुछ नए स्किन केयर प्रोडक्ट्स जो मैं ट्राई कर रही थी मुझे सूट नहीं किए, तो उसकी वजह से एक्ने मार्क्स भी हो गए हैं। तो उन सबको मैं अच्छे से इस कंसीलर की हेल्प से कंसील कर लूँगी और उसके बाद अपना फाउंडेशन अप्लाई करूँगी। यहाँ पर मैं कफ्स एंड लैशेस के कंसीलर ब्रश की हेल्प से इसे ब्लेंड कर रही हूँ। ये बहुत ही अच्छा ब्रश है। इवन कफ्स एंड लैशेस के सारे ही ब्रशेस बहुत अच्छे हैं। मैं इनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। बहुत ही अफोर्डेबल हैं ये ब्रशेस। फाउंडेशन के लिए यहाँ पर मैंने यूज़ किया लैक्मे का 9 to 5 प्राइमर प्लस मैट फाउंडेशन। इसको मैं डॉट डॉट करके पूरे फेस पर अप्लाई करूँगी और उसके बाद मैंने इसको ब्लेंड किया है अगेन कफ्स एंड लैशेस के F16 ब्रश की हेल्प से। बहुत ही अच्छा फाउंडेशन ब्रश है, आप उसे फाउंडेशन कंसीलर सारी चीज़ें ब्लेंड कर सकते हो। नेक्स्ट मैंने यूज़ किया स्विस ब्यूटी का कंसीलर फॉर हाइलाइटिंग। जितने भी हाई पॉइंट्स हैं उनको मैं अच्छे से हाईलाइट कर लूँगी इससे। ये एक लाइटर शेड है और ये आई थिंक सैंड सेबल है शेड। सारे प्रोडक्ट्स का शेड और जितने भी डिस्क्रिप्शन होगा मैं नीचे मेंशन कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। अब मैं अपने आईज़ को सेट करने के लिए यूज़ कर रही हूँ मार्स का लूज पाउडर इन द शेड बनाना। और इसे मैं अंडर आईज़ को, आईलिड्स को और अपने माउथ के अराउंड अच्छे से सेट कर लूँगी जहाँ जहाँ पे भी क्रीजिंग होती है। कॉन्टोरिंग के लिए मैंने यूज़ किया है कफ्स एंड लैशेस के कपी केक कॉन्टोर और इसका शेड था टी केक। और मैंने कफ्स एंड लैशेस का ही ब्रश यूज़ किया है कॉन्टोर ब्रश अपनी नोज़ को कॉन्टोर करने के लिए। बहुत ही प्रिसाइज ब्रश है। अगर आपको नहीं भी आती कॉन्टोरिंग तो अभी आप इसके हेल्प से काफ़ी अच्छे से शेप दे सकते हैं।
ब्लश के लिए मैंने यहाँ पर यूज़ किया है फिट मी का ब्लश इन द शेड आई थिंक रोज समथिंग, मुझे नाम एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, बट ये मेरा फर्स्ट ब्लश था और मुझे इसका शेड बहुत अच्छा लगता है, काफ़ी पिगमेंटेड है और आप इसको डेफिनेटली ट्राई करिए अगर आपको पिंकी ब्लशेस पसंद है और विंटर्स के हिसाब से तो एकदम परफेक्ट है। अगेन ये ब्रश जो है वो कफ्स एंड लैशेस का ही है, आज के वीडियो के सारे ब्रशेस कफ्स एंड लैशेस के ही हैं। अब एक सेटिंग स्प्रे की हेल्प से बेस को अच्छे से लॉक कर लेंगे। बारी आती है आईज की, तो सबसे पहले यूज़ कर रही हूँ मैं यहाँ पे शुगर की ब्राउ पेंसिल और इसका शेड है जेरी ब्राउन और बहुत ही स्मॉल स्ट्रोक से मैं अपने ब्राउज को फिल इन भी करूँगी और एक अच्छा सा शेप भी दूंगी क्योंकि ये अभी शेप में नहीं थी। हल्का सा लाइटर शेड है बट इसको फिर भी मैं मैनेज कर लूंगी। नेक्स्ट मैंने यहाँ पर यूज़ किया लैक्मे का आइकॉनिक काजल। यहाँ पर मैंने यूज़ किया है SFR की हेटेड विद लव आई शेडो पैलेट और इसमें 62 डिफरेंट कलर्स हैं, हर कलर ऑलमोस्ट आपको इसमें मिल जाएगा, ग्लिटर्स भी, प्रेस ग्लिटर्स भी, सारी चीज़ें। यहाँ पर मैं ये यूज़ कर रही हूँ ये डार्क ब्राउन एशी ब्राउन काइंड ऑफ शेड और इसे एक फ्लैट शेडर ब्रश की हेल्प से पूरे आईलिड के जो शेप है ना उसके अराउंड ही अप्लाई करूँगी, ब्रश की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। ब्लेंडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपके पास ब्रश नहीं है तो आप फिंगर की हेल्प से भी इस आई शेडो को अप्लाई कर सकते हैं। अब एक फ्लफी ब्रश की हेल्प से एजेस को अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे ताकि कोई भी शार्प लाइंस ना दिखें। अब इस ग्लिटरी कॉपर शेड को यूज़ करूँगी मैं और ये प्रेस ग्लिटर जो है उसको यूज़ करूँगी। एक फ्लैट शेडर ब्रश की हेल्प से मैं पहले इसको अप्लाई कर रही थी बट उससे अच्छे से नहीं आ रहा था तो मैंने इसको फिंगर की हेल्प से इस ग्लिटर शेड को अप्लाई किया है और उसके बाद ये काफ़ी अच्छे से अप्लाई हो गया। इस ग्लिटर को मैंने सिर्फ सेंटर पर अप्लाई किया है, बहुत प्यारा लुक आया है इसका। नेक्स्ट सेम जो डार्क ब्राउन शेड है उसको मैं अपने लोअर लैश लाइन पे भी अप्लाई कर लूंगी। लाइनर के लिए मैंने यहाँ पर शुगर का आईलाइनर यूज किया है, इसका वॉन्ट काफी अच्छा है, बहुत ही थिन लाइनर मैंने अप्लाई किया है, कोई भी विंग आईलाइनर नहीं क्रिएट किया, सिंपल सा लाइनर क्योंकि ऑलरेडी आई शेडो काफ़ी ग्लिटरी है तो मैंने यहाँ पे विंग आईलाइनर नहीं यूज़ किया है, थोड़ा सा सटल लुक रहे। मस्कारा यहाँ पे मैंने लैक्मे का आइकॉनिक मस्कारा यूज़ किया है और क्योंकि मैंने आईलैश कलर नहीं यूज़ किया, मिल नहीं रहा था तो 3 coats ऑफ मस्कारा मैंने अप्लाई किया है, इससे अच्छा सा कर्ली इफेक्ट आया था। एक आई कंप्लीट हो गई है और अब दूसरी भी आई मैं फटाक से कंप्लीट कर लेती हूँ। ओके, सो लास्टली हाइलाइटर जो मैंने यूज़ किया है वो बेका का हाइलाइटर यूज़ किया इन द शेड चैम्पियन पॉप और ये वन ऑफ द बेस्ट हाइलाइटर है जो मैंने अभी तक यूज़ किया है, बहुत अच्छा सा शाइन आया है इससे और इसमें चंकी पार्टिकल्स नहीं, सबसे अच्छी बात ये है।
एकदम नेचुरल विद इन काइंड ऑफ जो ग्लो होता है ना वो आता है इससे। स्टिक के लिए मेरे पास दो ऑप्शन थे, एक तो इनसाइड का ये ब्राउन लिप ग्लॉस, दूसरा पर्पल की रेड मैट लिपस्टिक, वेलवेट मैट लिपस्टिक। मैं दोनों के बीच में कंफ्यूज थी, बट लास्टली मैंने जो लिप ग्लॉस था इनसाइड का उसी को यूज़ किया। बहुत अच्छे लिप ग्लॉसेज हैं और आई थिंक ये 80 या 90 रुपीज़ के ही होते हैं, तो काफ़ी अफोर्डेबल भी हैं। ये है क्लोजअप लुक, दैट्स द फाइनल लुक। बहुत ही सिंपल था, मुझे तो बहुत ही सिंपल लगा, और आई शेडो को भी मैंने बहुत सिंपली यूज़ किया, कोई बहुत ज़्यादा खास टेक्निक नहीं थी। अगर आपके पास ब्रशेस भी नहीं है तो भी आप फिंगर की हेल्प से उसको ईजिली क्रिएट कर सकते हैं, इतना सिंपल है। आप लोग मुझे बताइएगा ज़रूर कि आपको ये लुक कैसा लगा, मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के संग शेयर करिएगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।